रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादिन, आपका मेहमान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नादिन, आज मैं मौजूद हूँ कराची फ्रीयर हॉल में, और आज जो है आर्ट एग्जीबिशन जो है, तीन रोज़ का आर्ट एग्जीबिशन की जो है आज आखिरी दिन है, और कराची से और दिन भर से जो है लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है, बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग जो है यहाँ पर बनाई है, और आज आखिरी डे है। तो आइए लोगों से चलते हैं, बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि लोगों ने किस तरह की यहाँ की पेंटिंग के हवाले से बताएगा। कितने दिन की ये जो है पेंटिंग एग्जीबिशन था, आज लास्ट डे है, तो क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया शाहिद है, और मैं पिछले 11 साल से एज अ फ्रीलांस विजुअल आर्टिस्ट कराची में काम कर रही हूँ। ये स्काई आर्ट वर्कशॉप है, प्रीसेट आर्ट गैलरी की तरफ से फ्रेयर हॉल पर हो रही है, और ये 3 दिन का इवेंट है, आज लास्ट डे है। और ये इवेंट फैमिलीज और जो आर्टिस्ट हैं सबके लिए ओपन है, और आएँ सपोर्ट करें आर्टिस्ट को यहाँ पे आके, और देखें यहाँ पे बहुत डिफरेंट काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके के एग्जीबिशन पाकिस्तान और कराची शहर में होने चाहिए? होने चाहिए, और टाइम टू टाइम होने चाहिए, ताकि लोगों को एक्टिविटी मिले, क्योंकि आजकल जो है हम लोग थोड़ा आइसोलेटेड रहते हैं आफ्टर कोविड, तो ये इस तरह से एक्टिविटीज़ होंगी तो और अच्छा होगा। कोई मैसेज देना चाहेंगी पेंटिंग के हवाले से लोगों को? पेंटिंग के हवाले से ये है कि वो आएँ यहाँ पे प्रेयर हॉल, क्योंकि ओपन आर्ट ऐसे नहीं होता है कराची में, गैलरीज में होता है, तो इस तरह से ओपन आर्ट पहली दूसरी दफ़ा हो रहा है यहाँ पे कराची में, तो आप आएँ और देखें सबका काम। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज के एग्जीबिशन के हवाले से, आज लास्ट डे? आज लास्ट डे है, और मैं मिस करूँगी इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि ये बेसिकली एक होता है कि आपका पीस ऑफ माइंड के लिए है, और ये जो प्रेजेंट आर्ट गैलरी ने हमें जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, इससे आपको मोटिवेशन मिलती है, बिकॉज आर्टिस्ट का काम और आर्टिस्ट को यहाँ प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन इस तरह के इवेंट्स जो इन्होंने अब स्टार्ट किए हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं कि आप अपनी स्किल्स शो कर सकते हैं यहाँ पर। और हमारे कराची में बहुत टैलेंट है, आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन नहीं मिलती, इसलिए फिर वो इस तरफ नहीं आते, और समझते कि स्कोप नहीं है आर्ट में, तो इस वजह से जो है वो उसको वो नहीं लेते, एज अ प्रोफेशनली नहीं लेते आर्ट को। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने दिया है, तो इस तरह से उनको मोटिवेशन मिलती है, और इस तरह कि उनके स्किल्स बाहर आते हैं लाइक आर्ट के, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए। थैंक यू। आपको हमने दिखाया कि, और लोगों से बात भी की आर्टिस्टों से, उनका यही कहना है कि ये जो आर्ट एग्जीबिशन है, इस तरीके के इवेंट जो है पाकिस्तान में और कराची शहर में और पूरे सिंध में जो है इस तरीके के एग्जीबिशन होने चाहिए, इससे आर्टिस्टों की जो है वो हौसला अफजाई होती है। तो नादिर, ये था आज का हमारा इवेंट, और आपको दिखाया आर्ट एग्जीबिशन के हवाले से। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।